मैं कर रही थी प्रेस और अभी लाइट चली गई है। थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए चली जाती है। बस ऐसे ही हो रही है, सुबह से जब से बारिश हुई है कल से तब से ऐसे ही हो रही है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कितने कपड़ों पे प्रेस कर दी, अभी बाकी कितने देखो। इतनी जीन्स पे भी मैंने शायद लाइट आ गई, इतनी जीन्स पे अपने पे प्रेस कर दी, इन कपड़ों पे कर दी, और इधर अभी मेरी जीन्स ये इतनी पड़ी हुई हैं बिना प्रेस के। ये दो अभी सिर्फ दो हर्स के पे की हैं और बाकी अभी मेरी इतनी सारी है और बाकी भी कपड़े पड़े हुए हैं। फिर से लाइट आ गई है, थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर में चली जाती है। यही ड्रामा हो रहा है सुबह से लाइट का। तो अभी फिर से मैं बैठती हूँ प्रेस करने, 7:30 बज रहे हैं शाम के। तो मैं आज छुट्टी पे थी वैसे भी, तो सोच रही हूँ निपटा ही देती हूँ प्रेस का सारा काम, जितने भी कपड़े प्रेस के पड़े होते हैं ना, फिर मुझे एक एक करके प्रेस करने पड़ते हैं। कि ऑफिस जाती हूँ एक प्रेस करा पहन गई, टाइम नहीं मिलता तो ऐसे ही होता है फिर डेली डेली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह ऑफिस के टाइम पे लाइट गोल हो जाती है, लाइट नहीं आती है, तो फिर बहुत मतलब सोचना पड़ता है कि क्या पहन के जाऊँ आज, क्या नहीं पहन के जाऊँ। तो आज मुझे टाइम मिला है, छुट्टी पे हूँ, तो सोचा कि जितने कपड़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कपड़ों पे प्रेस हो जाए, हर्ष के पे प्रेस हो जाए, मैं करके रख देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं 8 दिन के लिए फ्री हो जाऊँगी। फिर 8 दिन मुझे प्रेस करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या नहीं पहन के जाऊँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब तक बचे हुए कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ। फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट भाग जाएगी। तो चलो करती हूँ प्रेस, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आज कर दी है मैंने बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस और मैं थक गई प्रेस करते करते। 8 बज गए, 8:06। मैंने अपने ये देखिए, ये मेरी जीन्स हैं सारी, बस इसमें दो जीन्स हर्ष की हैं और 12 जीन्स मेरी हैं टोटल, जिस पे मैंने अभी प्रेस की है। और इधर मेरे टॉप्स, शर्ट्स, सूट्स कुछ अभी बस इतने पे की है मैंने, और इतने पे मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। इतना प्रेस करने के बाद मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे कमर में दर्द होने लगा है बहुत तेज़ वाला। तो अब नहीं कर रही हूँ, अब मैं बाकी बचे हुए कपड़ों पे फिर कभी प्रेस करूँगी। अभी मेरी टोटल 12 जीन्स हो चुकी हैं प्रेस, 2 हर्ष की कर दी हैं, हर्ष के बाकी अभी टोटल बाकी हैं, हर्ष की ज़्यादा नहीं की है मैंने, क्योंकि उनके आधे कपड़े तो ऐसे ही पड़े हुए हैं बिना प्रेस के। कुछ कपड़े प्रेस करे, शर्ट सारी उनकी प्रेस करी हुई मैंने रखी हुई हैं पहले से, टी शर्ट हैं और कुछ जीन्स हैं जिस पे सिर्फ 2 पे अभी मैंने की है, बाकी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने अपने आधे से ज़्यादा कपड़ों पे कर दी है प्रेस, आधे अभी। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अब और प्रेस करूं, वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस आज इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं। और हर्ष गए हैं अभी बाहर सामान लेने, कुछ किचन विचिन का कुछ ख़त्म हो रहा था, सब्जी वगैरह लेने, तो उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। अब तो नहीं है मेरे बस का कुछ भी करना, पैर में भी दर्द होने लगा है मेरा, मेरी इतनी नहीं होती है मेरे से कुछ भी, मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है कंटिन्यू। अगर मैं 1-1.5 घंटे काम कर लेती हूँ तो मेरी कमर में दर्द होने लगता है। सेम कंडीशन मेरी ऑफिस में होती है कि कंटिन्यू जब मैं काम करती हूँ बैठ के तो मेरी कमर में मतलब दर्द होने लगता है। कुछ तो मेरे माइग्रेन है, कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जो यहाँ से पेन पूरी कमर में होता है, तो उससे दिक्कत होने लगती है। कंटिन्यू बैठ के मैं काम नहीं कर सकती, मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे उठ के घूमना पड़ता है। तो फिर भी मैंने आज बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस करी है, सोचो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है 1-1.5-2 महीने से, तब से अब मैं कंटिन्यू प्रेस कर रही हूँ। पहले मेरा ऐसा होता था कि कपड़े मैंने वॉश करे संडे को सूखे, और उसके बाद में मैं सेफ में तभी लगाती थी जब प्रेस कर देती थी। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं साथ के साथ जितना मुझे डेली ऑफिस जाती हूँ प्रेस करती हूँ, पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि तबीयत ही सही नहीं होती मेरी कंटिन्यू बैठ के मैं प्रेस कर पाऊँ या काम कर पाऊँ। तो
तो जब तबीयत सही नहीं होती तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, और ये ऐसे काम होते हैं कि 1.5 घंटे 2 घंटे लग ही जाते हैं प्रेस व्रेस करने में, या धुल तो मशीन में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, मशीन लगा दो, कपड़े डाल दो, धुलते रहते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब हाथ से धोने पड़ते हैं तब थोड़ी दिक्कत होती है, तो कपड़े धुलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये होता है मेरे साथ में कि कपड़े धुल जाते हैं, उठा के तह करके सेफ़ में लगा देती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो प्रेस करती हूँ और पहन के चली जाती हूँ। लेकिन आज सोचा कि चलो टाइम है मेरे पास में, लाइट भी आ रही है, लाइट भी ऐसी आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो दिक्कत हो रही थी। मैंने फिर भी सोचा कि चलो थोड़ा सा कैडा जी करके करके रख ही देती हूँ, तो आधे से ज़्यादा कपड़ों पे मैंने अपने पे कर दिया। अभी आधे के लगभग कपड़े अभी बचे हैं, फिर भी इतने सारे पे कर दी, 1.5 घंटा लग गया मुझे करते करते। तो अभी मैं इनको सेफ में लगा देती हूँ फ़िलहाल, तो अच्छे से बस ऐसे ही पड़े हुए थे। बिना प्रेस के कपड़े अगर सेफ में भी लगाओ ना तो ऐसे लगते हैं कि सेफ बिखरी बिखरी सी लगती है, और मुझे लगता है कि बस एकदम प्रेस करे कराए तह लगे हुए बस निकालो और पहन के चले जाओ ऑफिस, बस ये होना चाहिए। तो कुछ दिन से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, और घर भी थोड़ा सा ऐसा ही बिखरा बिखरा रहता है। नहीं, मुझे एकदम अप टू डेट चाहिए सारी चीज़ें। जब तक काम मेरा ऐसा नहीं होता, फिनिश नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो मुझे चैन नहीं पड़ता। लेकिन अभी कुछ दिनों से कंडीशन ऐसी है कि घर कैसा भी पड़ा है तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उठ के उसको सही से अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। जैसा पड़ा है वैसा पड़ा है, बस क्या कर सकती हूँ, मन ही नहीं करता कुछ भी काम करने का। जब तबीयत सही नहीं होती तो कुछ भी कैसा भी पड़ा रहे मन ही नहीं करता, खर्च कर देते हैं जितना उनसे हो जाता है, बाकी का जितना मेरे से हो जाता है मैं कर लेती हूँ, और तो कोई है नहीं घर में जो कर दे। तो अब थोड़ा थोड़ा ठीक होती जा रही हूँ मैं, तो थोड़ा अब इतने प्रेस करने पे ना, मैं अभी जब लाइट बीच में चली गई थी तो मैं बेड पे जाके लेटी तो ऐसा लग रहा था कि मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था बैठने से कि ऐसा लग रहा था कमर फट जाएगी। तो ये कंडीशन होती है, इसलिए हर्ष मना करते हैं कि मतलब कोई भी काम कंटिन्यू बैठ के मत कर, ज़्यादा दिक्कत फिर मुझे तुझे ही होगी, फिर और किसी को तो होगी नहीं, तो जितना हो जाता है उतना कर लिया कर, बाकी मत करा कर। तो इसलिए चलो आज तो कर ही दिए, चलो आज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं उठा के रख देती हूँ कपड़ों को।